92.7 बिग एफएम पर मुंबई सपनों और उम्मीदों का शहर। हर दिन मुंबई के वीटी स्टेशन पर छोटे शहरों से नौजवान अपनी उम्मीदों और सपनों की पोटली लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। उनमें से कुछ अपने सपनों को साकार करते हैं और कुछ हताश होकर हिम्मत खो देते हैं। कुछ सही राह चुनते हैं तो कुछ राह ढूंढते हुए भटक जाते हैं। आज जिनकी जिंदगी के कुछ खास पन्नों को आपके लिए पलट रही हूं, उन्होंने इस मुंबई नगरी के हर रूप को अपनी कहानियों में पिरोया है। उन्हें रुपेले पर्दे पर रंगीन तस्वीरों में पेश किया है। किसी लड़की की मासूमियत भरे कदम कैसे हमारे शहर के चांदनी बार तक पहुंचते हैं, कैसे नामचीन लोगों की चमकती जिंदगी पेज 3 के पन्नों में हो जाती है। गाड़ियों के पीछे भागते हुए ट्रैफिक सिग्नल के वो चेहरे, या फिर जगमगाती फैशन और कॉर्पोरेट दुनिया के हसीन किस्से, और फिर एक हीरोइन की खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे कुछ पन्ने। नेशनल अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया है, सुप्रसिद्ध डायरेक्टर मधुर भंडारकर। मधुर, वेलकम ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। थैंक यू सो मच मधुरिमा जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मैं क्या कहूँ। मोस्ट वेलकम, यू डिजर्व इट। आज तक मधुर आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाना जाता है, सब आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज मधुर खुद बताए अपने बारे में और शुरू करते कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका बचपन बीता। मेरी कहानी जो है बहुत ही एक जैसे मुंबई शहर में मैं पैदा हुआ और खार टेलीफोन एक्सचेंज लिंकिंग रोड जिसे हम कहते हैं बहुत फेमस है, उस गली में वहाँ पे मैं पैदा हुआ। बचपन काफ़ी मैंने जो एरिया में लोग थे, दोस्त थे, उनके साथ बीता। और कम उम्र में ही मुझे एक फिल्म का जो है वो कहते हैं ना, एक वो नशा आ गया, फिल्म देखने का नशा था। 70s का दौर था जिस वक्त रोड पे जो होता था 16mm प्रोजेक्टर से पिक्चर दिखाया करते थे लोग। हाँ, जो वो कहते थे वो गाड़ियाँ रुक के सब प्रोजेक्टर में देखते थे। उस वक्त जो होता था मुंबई शहर में, जैसे हम बैठे दही हंडी, गणपति फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो उस वक्त रोड पे पिक्चरें काफी दिखाई जाती थी। तो लेकिन जब जब रोड पे पिक्चर दिखाते थे तो मैं जाके देखता था। तो कम उम्र में ही पिक्चर का एक जैसे कहूंगा चस्का लग गया था मुझे कि मैं फिल्म का एक जो मुझे काफी ये था प्रभाव था, लेकिन कभी ये नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या मैं कुछ। मुझे हमेशा था कि फिल्म की जिज्ञासा ये थी कि फिल्म बनाई कैसी जाती है, इसके पीछे का ये क्या है, मैंने राज क्या है कि कैसे। और हमेशा मुझे इस बात पे हैरानी होती थी कि डायरेक्टर का नाम एंड में क्यों आता है। अच्छा। तो फिर लोगों ने मुझे कहा कि भाई डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, पूरी पिक्चर उसके हाथ में होती है और पूरी पिक्चर का नेविगेशन जो होता है उसके पास होता है, और डायरेक्टर ही परफॉर्मेंस कराता है, डायरेक्टर ही गाने चूज करता है, डायरेक्टर ही जो है उसको पूरा एक आकार देता है फिल्म को। तो तब मेरे समझ में आया डायरेक्टर का महत्व क्या है, डायरेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और तब मैंने ऐसा कहीं दिल में जाके एक कहीं जाके वो चुप गया कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो लेकिन दौर खराब था, बेसिकली वी केम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, टिपिकल जो हम लोग महाराष्ट्र फैमिली से, सारस्वत ब्राह्मण जो है फैमिली से हम लोग थे। लेकिन मेरे पिताजी का काफ़ी लॉस हो गया, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर थे वो, और एक ऐसा टाइम आ गया कि ही हैड टू सफर लॉट ऑफ लॉसेस फाइनेंशियली। और मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरी बड़ी दीदी थी वो भी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, बड़ा ही एवरेज स्टूडेंट था। और छठवीं के बाद मैंने आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैंने पढ़ाई नहीं की कभी। अब मैं फेल हो गया छठवीं के बाद, फिर परिस्थिति ऐसी हो गई कि घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाए मुझे स्कूल में वापस भेजने के लिए, और मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ बोल के, क्या आगे जाओ लाइफ में। और मैंने स्लोली स्लोली वीडियो कैसेट का व्यवसाय शुरू किया। एक जमाना था जब हम फिल्में वीडियो कैसेट्स पर रेंट करके देखते थे। मधुर भंडारकर ने वीडियो कैसेट्स के रेंटल बिजनेस से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की।
मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि उन दिनों जब आप ऐसे जाते थे और वीडियो कैसेट्स बांटते, तो ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई यादगार पन्ना जो आपको याद हो कि उन दिनों आपके साथ कुछ मज़ेदार हुआ या कुछ ऐसे हुआ जो आपको बहुत आज तक याद रहे? मुझे मज़ेदार ही लगा, मुझे लगा कि उस वक्त भी ना वीडियो कैसेट में देता था, मैं ऑल वॉक ऑफ लाइफ पब्लिक को देता था, चाहे बहुत से फिल्म स्टार्स हुआ करते थे उस वक्त और बिजनेसमैन होते थे, मैं कुछ बार डांसर्स होती थी उनको भी जाके वीडियो कैसेट देता था, कुछ लोग घर में जाता था जो कहते थे मुझे अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। अच्छा। हाँ हाँ, ऐसे भी होता था। तो वहाँ से सब आपने अपने आइडियाज कौन से, मैं हर लोगों फिर झोपड़पट्टी में जाके मैंने वीडियो कैसेट दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, वीडियो जो होता था टीवी हायर करते थे, जैसे होता ना टीवी और वीडियो हायर करते थे, दिन में छह छह पिक्चर देखते थे सैटरडे संडे जैसे टाइप्स, तो झोपड़पट्टी में जाने का वहाँ वीडियो कैसेट देता था मैं, तो मैंने बंगलो फाइव स्टार स्काई स्क्रैपर से लेकर झोपड़पट्टी तक मैं जाके वीडियो कैसेट देता था वहाँ पे, तो मेरे लिए वो चीजें जो मुझे ना काफी सिखाई है, मैं 70 कैसेट जो होते थे वीडियो कैसेट का उठा के साइकिल पर डाल के मैं पेडल मार के खार से आना यहाँ पे, यहाँ से फिर माउंट मेरी जाना, सुभाष घई मुझे याद है उनको भी कैसेट देता था मैं। अच्छा। क्लिफ टावर बिल्डिंग में उनके, तो ऐसी चीजें याद है, मिथुनदा जो है उनका गार्डन व्यू बोल के उनका घर हुआ करता था गुरु नानक पार्क यहाँ पे बैंड्रा में, उनको तकरीबन उन वो मुझे अभी जानते कि मैं वही लड़का हूँ बोल के। अच्छा। मिथुन चक्रवर्ती साहब वही है जो अभी भी मुझे शक्ल से जानते कि वही मधुर है ये फिल्म मेकर है आज की तारीख का। अच्छा। तो बाकी लोगों को, कहीं लोगों को याद दिलाना पड़ता है मैं वही, लेकिन हाँ। मिथुन दा के पास मेरे को 4-4.5 साल कैसेट दिया, तो एक फेस वैल्यू उनका, मेरा जो फेस वैल्यू उनके ऊपर काफी रिकलेक्ट हुआ कि ये लड़का अच्छा है। मुझे याद योगिता दीदी जो थी, पिंकी दीदी, हम प्यार से कहते थे, वो पानी पिलाना एक अलग ही ये था। तो कहीं जाके डड्डू साहब थे हमारे, है जो राज सिप्पी साहब जिसने कयामत, सत्य पे सत्ता, अंदर बाहर जैसी फिल्में बनाई, इनकार जैसी फिल्म बनाई, बड़ा ही फैन हूँ उनका मैं, तो उनको वीडियो कैसेट, वो भी जानते मुझे कि मैं वही मधुर हूँ बोल के। तो कई ऐसे लोगों के साथ, बाकी तो रहा किसको 6 महीना 5 महीना ऐसा कहते, लेकिन मुझे वीडियो कैसेट जो मैंने 4-5 वीडियो कैसेट शुरू किया था, विद इन स्पैन ऑफ 4 साल मेरे पास कुछ 1700 वीडियो कैसेट्स आ गए। अच्छा। खुद के, तो मेरे लिए अपने अपने बड़ी उपलब्धि थी ये, और जैसे अभी भी लोग मैं कह सकते मधुर जो है 70s, 80s, 90s का मेरा इंसाइक्लोपीडिया है, कौन से साल में कौन सी पिक्चर रिलीज हुई थी, क्या है, मुझे सब पता है, ऐसा नॉलेज मेरा कमाल है। तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी सीखा हूँ फिल्में देख के, मैंने हर टाइप की फिल्में देखी, कमर्शियल, साउथ की सिनेमा, फिर जितेंद्र साहब की सिनेमा जो हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मवाली, यू नो ये सब पिक्चरें भी मुझे अच्छी लगी है, और मैंने श्याम बेनेगल साहब की भी पिक्चर देखी है, निशान देखी है, मंडी देखी है, विजेता देखी, गोविंद नलानी साहब की, तो मेरे लिए सिनेमा अच्छा था बुरा था, तो मुझे लगा कि इतना इन्फ्लुएंस हो गया, 1700-1800 कैसेट थे मेरे पास, मैंने इतनी फिल्में देखी, तो कहीं जाके फिल्म का प्रभाव मेरे पर काफ़ी पड़ा। चलिए, आप वीडियो कैसेट्स का बिजनेस कर रहे थे, आपको फिल्मों का शौक था, तो वहाँ से आपने कैसे सोचा कि अब मैं फिल्मों में असिस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रॉम बीइंग एक डिलीवरी boy. या डिलीवरी बॉय कहिए, या फिर अब आप एक वीडियो कैसेट पार्लर चलाने वाले बन गए, वहाँ से असिस्टेंट बनने का मतलब ये सोच कहाँ से आया? ये आया क्योंकि 4 साल करने के बाद वीडियो कैसेट का धंधा बड़ा ठप हो गया, और कुछ क्योंकि तब वो सीडीज आने शुरू, उसकी सीडीज नहीं, सीडीज के अलावा जो लोग केबल आ गया था, लोगों ने वीडियो कैसेट, हर पान की दुकान में वीडियो कैसेट मिलता था उस वक्त, तो वो जो उसका जो इन्फ्लक्स इतना हो गया कि जो हम 30 रुपए में कैसेट देते थे 20 रुपए, वो 5 रुपए में हो गया, 15 रुपए में 3 कैसेट हो गई, तो वो धंधा मार खा गया, डिटोरेट हो गया, और एक वक्त पे मुझे आया कि अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वीडियो कैसेट का जो हर बिल्डिंग के आसपास वीडियो कैसेट हुआ, सो अब का जो एक जो एक्सक्लूसिविटी थी खत्म हो गई, तो मुझे लगा कि अभी और बहुत लॉसेस हो गए उस वक्त, उसके बाद मुझे लगा मैं क्या करूँ, तो मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ, पढ़ाई मैंने मैं जाके कोई स्किल जैसे ज्वाइन करूँ, स्किल जॉब करूँ, मैं जैसे कोई कंप्यूटर सीखूँ, सो कंप्यूटर आ गया था, कहीं अब्रॉड चले जाओ, उस वक्त अब्रॉड जैसा था, दुबई जाना बहुत बड़ी बात होती थी, दुबई था, मस्कट था, तो मेरी बड़ी दीदी थी वो मस्कट में थी, मैंने आई डिडंट नो व्हाट टू डू, लाइक मैंने बीच में फिर एमलेस, किसी ने बोला कपड़े का धंधा कर, तो 6 महीने वो कर दिया मैंने कुछ ऐसा, फिर किसी ने कुछ और बोला बीटा का धंधा कर, बीटा होते थे ना उस वक्त सीरियल्स की, बीटा उसका, तो उसमें सब लॉस हो गया, और बुरी तरह से बिजनेस तो कर ही नहीं पाया मैं, और उसके बाद बस मुझे लगा मैं अभी असिस्ट करूँ, तो फिर मैंने कहीं ऐसे फिल्म मेकर्स को यहाँ पे असिस्ट किया, छोटे मोटे फिल्म मेकर्स को थोड़े टाइम के लिए, और एलिमेंट्री नॉलेज जैसे सीखा, क्लैप मारना, कंटिन्यूटी लिखना, हीरोइन के सैंडल्स उठा लो, हीरोइन के गाउन खड़ी है तो पकड़ के खड़े हो जाओ, एक्टर को रूम में बैठा है तो उसको बुला लो,
₹30 मिलते थे अप्रेंटिसशिप जैसे कहते थे। उस वक्त ये जॉब भी कितना एक्साइटिंग लगता था। बहुत एक्साइटेड था, मुझे शूटिंग देखने का बड़ा अच्छा था, मैं देखता था शूटिंग कैसे होती है। लेकिन एक चीज थी मेरे में, मैं एक्टर के साथ किसी के साथ मेरा जो एक मेरा खुद का जो मेरा वो एक्सट्रोवर्ट नेचर है और मेरा नॉलेज इतना अच्छा है फिल्मों का कि मधुर जो है बहुत बोल सकते हैं। हाँ, तो उनको ऐसा लगा कि नॉलेज अच्छा है। मैं एक्टर को बोलता था ये साल आपकी वो पिक्चर लगी थी, ये साल आपकी ये पिक्चर लगी थी, तो बड़ा इंप्रेस कर लेता था मैं लोगों को कि यार ये नॉलेजेबल है। जो मेरे डायरेक्टर भी होते थे बड़ा यार ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी लगता है, ये इसको सब पता है क्या है। मैं पेपर पढ़ने का मुझे शौक था बचपन से, तो उस वक्त असिस्टेंट किया, फिर मैं खुश नहीं था, मतलब ये क्या कर रहा हूँ मैं। फिर राम गोपाल वर्मा जी मेरी लाइफ में आ गए और फिर उनको असिस्ट किया 4 साल तकरीबन, द्रोही रात रंगीला में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। और उसके बाद उसमें आपने एक छोटा सा कुछ किरदार भी निभाया। किरदार वो ऐसे निभाया क्योंकि मैं सेट पे था, गोवा में थे हम, शूटिंग कर रहे थे और वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल था, तो कोई असिस्टेंट वहाँ पे कोई आया नहीं, तो राम गोपाल वर्मा जी ने बोला तू खड़े कर ले ये रोल, बोले तो मैं बहुत मैंने उनसे विनती की कि मेरे को नहीं करना ये, तो बोला नहीं नहीं एक ही शॉट है कर लेना आया। तो जैकी श्रॉफ ने भी मेरे को कहा, जैकी दादा ने, डब्ल्यू बी राव हमारे कैमरा मैन थे बड़े सीनियर, तो उन्होंने भी कहा मैं भी कर रहा हूँ तू भी कर ले यार, तो मैंने वो कर लिया। तो पता नहीं वो जब से फिक्स हो गया कि मधुर की जो है वो 1995 में रंगीला में उन्होंने डेब्यू किया वो पिक्चर में, और ऐसा कई जगह लिखा जाता है कि मैं एक्टिंग शुरू किया करियर, ऐसा बिल्कुल नहीं। पर आज लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी वो जो उपज है वो सोच की वो कब से नींव डली हुई थी आपकी। नहीं नहीं करेक्ट है, नहीं नहीं आपके द्वारा पता चला वो सबसे बड़ी बात है, मेरे ख्याल से अच्छी बात है आपने मेरे से पूछा। ये पूछना चाहूंगी, अभी आपने रामू जी के साथ काम किया, 4-5 फिल्में आपने की, काफी साल काम किया, फिर आपने अपनी एक स्क्रिप्ट बनाई त्रिशक्ति, वो लेके आप कैसे, मतलब एक छठी फेल नाकामयाब। क्या होता है कि मेरे में ना हमेशा एक फाइटर स्पिरिट रहा है और मैं हमेशा ही चाहता था कि मैं फिल्म बना। तो मैंने जब फिल्म बनाना शुरू किया 97 में, तो उस वक्त रंगीला पोस्ट रंगीला हिट हुई थी, उसके बाद मैं इंडिपेंडेंटली मैं कोशिश किया स्ट्रगल करने के लिए, कई जगह जाके सब्जेक्ट थॉट दे रहा था, तो लोगों ने कहा कि तुम बहुत आर्टिस्टिक, बहुत ही सोशल इशू के बारे में सोचते हो, या बहुत ही तुम्हारे जो थॉट्स है वो श्याम बेनेगल गोविंद नहलानी जैसे है, हमको ऐसी फिल्में नहीं बनानी है। मैंने कई बार कहा कि सर ये मैसेज ओरिएंटेड सिनेमा है, मुझे बनाना है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला डायलॉग एक प्रोड्यूसर ने मुझे, बोला अगर हमको फिल्म बनाना है तो मैसेज देना है तो हम SMS कर देंगे, फिल्म नहीं बनाएंगे। बोला हम ₹1 का SMS कर देंगे, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन कहा कि हम ₹1 का मैसेज कर देंगे, हम फिल्म नहीं बनाएंगे अगर हमको मैसेज देना है तो किसी को। फिल्म इंडस्ट्री में जो होता है सबसे ईजी और सबसे आसान जो होता है वो लोग सलाह बहुत देते हैं आपको, बोलना शुरू कर दिया आपको कि यार तुमने राम गोपाल वर्मा को छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हें तो ब्रेक मिला नहीं है, देखो अभी कोई फिल्म नहीं बना रहा तुम्हारे साथ। तो मैंने बोला कि क्या करूं मैं, तो बोला कि तुम बहुत आर्टिस्टिक सोचते हो यार, ये सब नहीं चलता, कमर्शियल सिनेमा चाहिए, कमर्शियल बनाओ। इस तरह की जो बातें हुई तो मैंने कहा ठीक है चलो अगर ऐसी है तो ऐसी, तो मैंने मरता क्या ना करता वाली बात है, और मैंने ब्रेक मिला मुझे और मैंने स्त्री शक्ति बनाई जिसमें टोटल कमर्शियल थी, जो जैसे कहते कि उस फिल्म में लड़कियां बिकनी में भी थी, कुत्ता भी था, कव्वाली भी थी, हेलीकॉप्टर भी था, वो सारे एक्शन ड्रामा सब सारे मिश्रण जो एक कमर्शियल फिल्म को होना चाहिए वो था। तो मुझे पता था जब तक वो पिक्चर, क्योंकि फिर वो पिक्चर में ऐसा हो गया अरशद वारसी, मिलिन गुनाजी, शरद कपूर थे, पिक्चर जब शुरू हुई थी तो अच्छे नोट पे थी, लेकिन जब पिक्चर रिलीज तक आई तो इन तीनों एक्टरों की बॉक्स ऑफिस पे इतनी असफलता पिक्चर हुई कि उसको बहुत फर्क पड़ा, और 2.5-3 साल फाइनेंसर नहीं, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, तो पिक्चर बनते स्टेल हो गई और समय चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, और 2.5-3 साल चले गए उस पिक्चर के पीछे। पिक्चर रिलीज हुई तो मुझे मेंटली मैं प्रिपेयर था कि पिक्चर चलेगी नहीं बॉक्स ऑफिस पे, फ्लॉप हो गई, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और उसकी तो खबर भी नहीं छपी मैं कहूंगा। लेकिन कई जो क्रिटिक्स ने लिखा कहीं उसमें ये था कि द फिल्म इज स्टेल, द एक्टर्स आर I have no say at box office, but debutant Madhur does a good job as a technician as a debut film. तो कहीं जाके silver lining कहते हैं ना वो, कभी कभी बोलते हैं ना success से पहले failure को हासिल कर लेते हैं, उसी से आप आगे जाते हो, तो वो मेरे ख्याल से उसके बाद जो फेलियर होने के बाद एक इंडस्ट्री का जो परसेप्शन था मेरा, तो पहले था कि मधुर भंडार का एसोसिएट राम गोपाल वर्मा, वो खत्म हो गया। अच्छा। लोगों को ऐसा लगा अब तो, पहले तो बन मुट्ठी थी, अब तो खुल चुकी, भाई इसको कौन हाथ लगाएगा, इसने तो बड़ी बेकार वाहियात फिल्म बनाई है, तो इससे तो अभी दूर रहो, तो फोन कोई उठाता नहीं था, कोई बात नहीं करता था, कोई सामने से आए तो अरे कैसा है हाथ करके निकल जाता था। बड़ा मैंने वैन के बाहर खड़ा हो तो अपने बॉय को पहले बोलता था यार बोलना नहीं है, भगो 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 यार फ्लॉप है, क्योंकि फ्लॉप जो होता है इंडस्ट्री में बड़ा मनुष्य होता है यहाँ पे, कि अरे नहीं नहीं यार, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो,
तो नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, क्योंकि सक्सेस जो है इंडस्ट्री में से एक ही चीज है, बस सक्सेस ही पूजा जाता है। फ्राइडे जो है कंप्लीटली, और उसका कोई हमी नहीं है। जो कहते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा वो है, कुछ नहीं है। फ्राइडे टू फ्राइडे इक्वेशन है यहाँ पे, आपके फ्रेंड्स और आपके दुश्मन फ्राइडे टू फ्राइडे चेंज होते हैं। त्रिशक्ति के असफलता के बाद कोई मधुर भंडारकर के साथ काम करने को राजी ही नहीं था। फिर भी एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस टबू ने कैसे मधुर को हाँ कहा, जानेंगे कुछ ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 पिग एफएम।